गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ओडिशा रेलवे स्टडी पॉइंट। आज हूँ 9th जून। 9th जून न कौन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर अच्छे आम देखा, से पूर्व समस्त रिक्वेस्ट करें निज घरे रुहतु, सुरक्षित रुहतु, निज देश को सुरक्षित रखु। क्वेश्चन ऑफ द डे थिला कौन, जे वर्ल्ड पेस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, माने जो कीट पतंग मान क्यों दिन ऑब्जर्व करा जाए ना, 6th जून। प्रति वर्ष 6th जून वर्ल्ड पेस्ट डे ऑब्जर्व करा जाए। ठीक अच्छे, आज प्रथम क्वेश्चन देखिबा, मोहम्मद अकरम इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ ओपीईसी, माने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक अच्छे, सी वर्तमान कौन अच्छा ना प्रेसिडेंट, अच्छा मोहम्मद अकरम ओपीईसी रो, सी हूँ क्यों देशर ऑयल मिनिस्टर, ना सी हूँ अल्जेरियार ऑयल मिनिस्टर। क्वेश्चन हूँ सी हूँ क्यों देशर ऑयल मिनिस्टर, ना अल्जेरियार ऑयल मिनिस्टर। ये भी गोटे क्वेश्चन बन पार कौन, ये ओपीईसी रो वर्तमान प्रेसिडेंट किए, ना मोहम्मद अकरम। ठीक अच्छे, अल्जेरियार से हूँ जड़े ऑयल मिनिस्टर। आम ये जो ओपीएससी विषय जानवा, ओपीएससी जान से 13टा कंट्री अच्छे से, हाँ ना नहीं 13टा कंट्री अच्छे। आउ वर्तमान कौन है ना, तार जो हेड अच्छा एवं आम कहले जे मोहम्मद, ठीक अच्छे सेक्रेटरी जनरल अच्छा किए मोहम्मद अकरम, सेक्रेटरी जनरल अच्छा प्रेसिडेंट अच्छा आम कहे मोहम्मद अकरम। एवं पढ़ले जो प्रेसिडेंट अच्छा किए, ना मोहम्मद अकरम। ठीक अच्छे, मोहम्मद अकरम बर्तमान प्रेसिडेंट अच्छा। ठीक अच्छे, अल्जेरिया विषय जानवा, कैपिटल हूँ अल्जेरिस, आम जानते करेन्सी हूँ अल्जेरियान दिनार, आपको मन रखा। प्रेसिडेंट हूँ किए, ना तबोनी, प्रेसिडेंट हूँ तेबोनी, मन रखिपर। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन जे वर्तमान, ह्विच अफ द फलोईंग अर्गानाइजेसन हाज रिसेंटली पार्टनर्ड विथ अटल इनोभेसन मिशन AIM टू प्रमोट इनोभेसन इन इंडिया। इंडिया रे इनोभेसन को प्रमोट करने अटल इनोभेसन मिशन सहित किए कौन कर पार्टनर हो, किए चुक्ति स्वाक्षर करते मिसीजी किए, ना CSIR। आम जानचे CSIR फुल फॉर्म होची काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हाँ ना नहीं, जोटा कि देशर सबुठ बड़ साइंटिफिक अवार्ड दिए, जोटा कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, हाँ ना नहीं, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जोटा किए दिए CSIR दिए। आम जानचे CSIR दिए, CSIR बर्तमान कौन क्या सहित मिसीची, ना अटल इनोभेसन मिशन सहित मिसिकी इंडिया रे कौन ना प्रमोट कर, क्या ना इनोवेशन इंडिया रे बढ़ाया प्रमोट कर। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, बर्तमान नाबार्ड बा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड बर्तमान 270 कोटी टंका क्यों बैंक को दे लोन, ना आसाम ग्रामीण बैंक को। ठीक अच्छे, आसाम ग्रामीण बैंक को 270 कोटी टंका लोन दे किए नाबार्ड। ठीक अच्छे, आम जानचे नाबार्ड केबे स्टार्ट होता, 1982 जुलाई 12 स्टार्ट होता, तार हेड किए आम जानचे, हेडक्वार्टर तो मुंबई अच्छे, हेड हूँ किए ना हरीश कुमार भनवाला, नाबार्ड हेड होती हरीश कुमार भनवाला, आम जानचे, हाँ ना नहीं। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन, आर्यभट्ट रिसर्च इन्यूट सहित किए चुक्ति स्वाक्षर कर MOU स्वाक्षर कर, जहाद्वारा कि कौन हम ना ना कोऑपरेशन हम क्या द्वारा, फील्ड ऑफ स्पेस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक अच्छे, स्पेस आउ एस्ट्रोफिजिक्स विषय में बर्तमान कौन हम ना MOU साइन हो, आर्यभट्ट रिसर्च इन्यूट सहित कहार MOU साइन हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बा इसरो रो, इसरो कौन कर आर्यभट्ट रिसर्च इन्यूट सहित MOU साइन कर, जहाद्वारा कि डेवलपमेंट करेंगे क्यों थे ना एस्ट्रोफिजिक्स भी डेवलपमेंट करेंगे आउ स्पेस साइंस विषय में भी रिसर्च करें MOU साइन कर, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इसरो। ठीक अच्छे, तेरे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, इसरो कथा तो आम जानचे, इसरो स्टार्ट होता 1969 15 अगस्त, ता ना पूर्व कौन INCOSPR, यार ना पूर्व हेडक्वार्टर तो बैंगलोर, आम जानचे वर्तमान एडमिनिस्ट्रेशन के शिवम बा चेयरमैन होती के शिवम, आम जानते। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, जी कह
Which of the following institute has developed a low cost and artificial intelligence based test kit? जो COVID-19 को टेस्ट करिबा पई गोटे लो कॉस्ट माने बहुत कम कॉस्ट रे जे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गोटे टेस्ट किट किए तैयार करछि ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ हैदराबाद ठीक अछि IIT हैदराबाद कौन करछि ना गोटे लो कॉस्ट टेस्ट किट तैयार करछि का पई COVID-19 पई विद इन 20 मिनिट रे रिजल्ट सेथिरे जना पड़ी जाउछि जोटा कि बहुत बहुत भल कथा ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहुछि जे हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड गुडविल एम्बेसडर फॉर पुअर बाय यूएनएडीएपी माने यूएनएडीएपी कौन करछि पुअर मानक पई जण को गुडविल एम्बेसडर घोषणा करछि सी होचंती किए ना सी होचंती एम नेत्रा माने बहुत सुंदर कथा एठी देखियो को मिलिछि एन नेत्रा कौन करछंती ना तांको बयस मात्र 13 वर्ष 13 वर्ष बयस रे ई जो लॉकडाउन समय रे ए लॉकडाउन समय रे ताको देखि परबे फोटो रे लॉकडाउन समय से कोन करते निज फादर को कन्विंस करचंती जे निजर सेविंग रु 5 लाख टंका से कोन करचंती 5 लाख टंका रो जो एसेंशियल जिंस रहला से पुअर मानन को डोनेट करचंती पुअर मानन को पाखरे पहुंची जंती 5 लाख टंका खर्च करिके से कोन करचंती समस्त को एसेंशियल जिंस जहा भी दरकार खाइबा पय रहिबा पय नबा हैंड वॉश हो कि जे फेस मास्क हो ए सब कथा पति से माने कोन करचंती ये एम नेत्रा कोन करचंती ना माने से पोर मानन को प्रदान करचंती डोनेट करचं जोटा के ए कथा को चिंता करी के वर्तमान यूएनडीपी ताकू कोन करची ना गुडविल एम्बेसडर बनैची कोन पय पोर मानन पय जोटा के बहुत भलो स्टेप जाहौ 13 वर्ष वयस रे जने एते कथा चिंता करि परचंती एटा तो माने बहुत बड़ कथा आमे जो ब्रुटाल केस देखुचे जेमति कि वर्तमान आमे गोटे एलिफेंट सहित कथा सुनिचे तेणु एसब कथा को चिंता कले जमी लगुच ह्यूमानिटी आउ ना किंतु ए न्यूज पढ़ला पर हाँ ह्यूमानिटी आज की भी दुनिया रे बंचीची बोली जना पड़ी जोटा कि बहुत भल कथा ये ह्यूमानिटी कथार आसला मुझे टी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे रिसेंटली सरी आम जाचे से विषय टी डिस्कस करने को चाहिए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे प्रति वर्ष केबे पालन करा जाए जाने 5 जून रे परीक्षा कौन इम्पोर्टेंट पड़ो मुझे कथा कह 5 जून हूँ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ना ना वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून पालन करा जाए 2018 केउठी हेतला जे परीक्षा रे पड़िला ताहाले 2018 हेतला इंडिया रे कने 18 19 20 बहुत इंपोर्टेंट इंडिया रे थीम कोन थिला बीट प्लास्टिक पोल्यूशन बीट प्लास्टिक पोल्यूशन ठीक अछि एटा थिला 2018 थीम जोटा कि इंडिया रे हेतला एटा जेहेतु इंडिया रे हेतला 2018 इंपोर्टेंट 2019 रे केउठी हेतला ना चाइना रे चाइना थिला होस्ट कंट्री तार कौन थिला माने थीम कौन थिला एटी थीम लिखि दउची थीम कौन थिला बीट एयर पोल्यूशन बीट एयर पोल्यूशन मन रखी हबो किछि प्रॉब्लम नै बीट एयर पोल्यूशन ठीक अछि 2020 रे जोटा एबे जोटा हेछि सेटा को तार होस्ट कंट्री के तार होस्ट कंट्री होछि कोलंबिया ठीक अछि कोलंबिया तार होछि होस्ट कंट्री आ थीम कोन सेलिब्रेटिंग बायोडायवर्सिटी थीम होची सेलिब्रेटिंग सेलिब्रेट बायो डायवर्सिटी ठीक है सेलिब्रेटिंग बायो डायवर्सिटी होची कोलंबिया रो जे एबे जोटा हेची 2020 रो थीम ठीक अछि ये तीनटा जिनस हमें निहाती मन रखिबा परीक्षा पई बहुत इंपोर्टेंट ठीक अच्छे चिरंजीव शर्मा एक्टर सरी चिरंजीव सरजा डेथ है सी जो कौन थे सी जे फेमस एक्टर थे ठीक अच्छे ये जो मुझे कहली एनवायरमेंट डे विषय में निहाती मन रखे जोटा कि परीक्षा पाई बहुत इंपोर्टेंट बर्तमान लॉर्ड द्वारिकाधीश एंड सोमनाथ टेम्पल ओपन कर दिया जाए से दुटा यक टेम्पल के स्टेट अच्छे आम जाने ये दुटा यक टेम्पल गुजरात अच्छे आम समस्त जाने क्वेश्चन आंसर सोमनाथ टेम्पल जाने लॉर्ड शिवाई फेमस हाँ ना आउ द्वारिकाधीश आम जाने लॉर्ड कृष्णा फेमस जोटा कि दुटा यक टेम्पल गुजरात अच्छे बोली आम जाने ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन हु एमंग द फॉलोइंग फास्ट इंडियन टू विन प्रेस्टिजियस रिचार्ड डाउकिन्स अवार्ड रिचार्ड डाउकिन्स अवार्ड क्या मिली जावेद अख्तर को जोटा कि फास्ट इंडियान को मिली जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट न्यूज परीक्षा पर बहुत इंपोर्टेंट एक मन रख रिचार्ड डाउकिन्स अवार्ड क्या मिली ना जावेद अख्तर को ना जानचे आम जानचे जावेद अख्तर हूँ कौन
ବଲିଉଡ଼ର ରାଇଟର ଲିରିସିଷ୍ଟ ସେଙ୍କୁ ମିଳିଛି କ'ଣ ରିଚାର୍ଡ ଡାକିନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ 2020 ଯିଏକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇପାରିବେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ କେଉଁ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଫିସ୍କାଲ ଇୟର 2020ରେ ବହୁତ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ହେଇଛି ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଦେଶରେ ଯେତିକି ମାନେ ମାନେ ମନି ଯେତିକି ମନି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାର ଭାଲ୍ୟୁ କମିଯିବା ଭାଲ୍ୟୁ କମିବ କେମିତି ଯେମିତିକି ଯଦି ଦେଶର ଇନକମ୍ ହିଁ ସେତିକି ହେଉନି ଦେଶର ଯେତିକି ଇନକମ୍ ହେଉନି ତାଠୁ ଅଧିକ ଯଦି ମନି ଆମେ ଦେଶରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ବା ଦେଶକୁ ଇନପୁଟ୍ ଦେବା ତାହେଲେ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ହେବ ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ହେଉଛି କଥା ଯେ ସବୁଠୁ ଏଇ 2020ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ କେଉଁ ଦେଶରେ ହେଇଛି ନା ପାକିସ୍ତାନରେ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ହେଇଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି କେତେ କୁହାଯାଇଛି ନା 14.6% ଜାନୁଆରୀ 2020ରେ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେବେ ବି ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ମାନେ ତମ ପାଖରେ ଥିବ ମାନେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବ ସେଥିରେ ମାତ୍ର ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଧର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଧର ଆଳୁ କେଜି ହେଇଯିବ 5000 ଟଙ୍କା 5000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଆଳୁ କେଜି ତାହେଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ ମୋତେ କୁହ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ହେଲେ ଏହା ହେବ ତମ ପାଖରେ 10000 ଟଙ୍କା ଅଛି ମାତ୍ର 2 କେଜି ଆଳୁ କିଣିପାରୁଥିବ ଏବେ କିନ୍ତୁ 10000 ଥିଲେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବ ଠିକ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଦେଶରେ ଅଧିକ ମନିକୁ ଇନପୁଟ୍ କଲେ ଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ କହନ୍ତି ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଅରିଫ୍ ଅବ୍ଲି ସରି ଅରିଫ୍ ଅଲ୍ଭି ଆଉ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇସଲାମାବାଦ ହଁ ନା ନାଇଁ କେବେ ଡୋମିନେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାନେ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା ଆମେ କଥା ଜାଣିଛେ କଟ୍ ଥୋମାସ ଠିକ୍ ଅଛି କଟ୍ ଥୋମାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ସିଏ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଫେମସ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଥିଲେ କେଉଁଠିକର ନା ୟୁଏସ୍ର ୟୁଏସ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେଲ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଯିଏକି ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି କଟ୍ ଥୋମାସ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କ'ଣ କରିଛି ତାର ସମର ନ୍ୟୁ ସମର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ତା ନାଁ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଗାରିସାଇନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାରିସାଇନ୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ନ୍ୟୁ ସମର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ ବେବିରାନୀ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ ତ୍ରିମଦି ସିଂ ରାୱତ ବିଧାନସଭା ହେଲା 70 ରାଜ୍ୟସଭା ହେଲା 3 ଲୋକସଭା ହେଲା 5 ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଡେରାଡୁନ୍ ଏବେ ଗାରିସେନ ହେଲା ସମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ୱିଣ୍ଟର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲା ଡେରାଡୁନ୍ ମନେ ରଖିବା ଆଉ ସମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲା ଗାରିସେନ ଠିକ୍ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ ହୋପ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ତେଣୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏହାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଯେଉଁଟାକି ସେ ବି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ତ୍ରିମଦି ସିଂ ରାଓ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ୟୁଥ୍ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି କାଲି ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ଓସେନ୍ ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନା 8 ଜୁନ୍କୁ ଏକଥା ମୁଁ କାଲି ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବି ଆଉ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ଡେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା କହିଲି ସେଟା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ନିଜ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେମିତି ରେଗୁଲାରଲି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ